वेलकम टू ऑनलाइन सेशंस। सी इन द लास्ट सेशन वी हैव स्टार्टेड विथ लॉ ऑफ डीएमयू। अभी लॉ ऑफ डीएमयू का रफ आइडिया आपको पता होगा कि ये लॉ किस कंसर्न में, किस कंसेप्ट, ये क्या कंसेप्ट है। लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। ये यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ अ वॉन्ट। मतलब जो भी यूटिलिटी डिराइव होता है, इट डिमिनिशेस, यूटिलिटी डिराइव डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट। मतलब जितना हमारा इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट कम होगा, उतनी यूटिलिटी क्या होगी, यूटिलिटी डिराइव्ड विल डिमिनिश, विल फॉल। सी इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, मतलब इफ़ आई एम वेरी थर्स्टी, द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर विल गिव मी मोर सेटिस्फैक्शन। द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर विल बी मच मोर देन द कंसेक्यूटिव देन द अदर ग्लासेस। तो उसके बाद जितना भी मैं पानी पीऊँ, लेकिन जो फर्स्ट ग्लास का जो यूटिलिटी है डिराइव, वो ज़्यादा होगा। तो यूटिलिटी जो हम डिराइव करते हैं किसी भी कमोडिटी से, वो रिड्यूस होता है, वो डिमिनिश होता है विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट। जब हमारा वॉन्ट जो है वो रिड्यूस होगा, इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट जो है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली यूटिलिटी डिराइव भी कम होगा। तो इस लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से, जब हम लोग कंटिन्यूसली जब हम कमोडिटी कंज्यूम करते रहते हैं, तो जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होती है, डिमिनिश होती रहती है। तो सी इन द लास्ट सेशन वी हैव सीन एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। एजम्पशंस मतलब अगर लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल करना है, अगर लॉ ऑफ डीएमयू वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे ये सारे एजम्पशंस हैं, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू को एप्लीकेबल करने के लिए ये सारे चीज़ों को एज्यूम करना पड़ेगा, ये इसके एजम्पशंस है। फर्स्ट वन है रैशनल, कंज्यूमर का जो बिहेवियर होना चाहिए वो एकदम रैशनल होना चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी नॉर्मल and he tries to maximize his satisfaction. Next है cardinal measurement. The law assume that utility can be cardially or numerically measured. मतलब ये law के हिसाब से, ये law का assumptions है, ये law applicable होने के लिए assume किया है कि जो भी commodity है जिसको हम consume कर रहे हैं, वो numerically या cardinally वो क्या होना चाहिए, measurement उसका possible होना चाहिए। Next है homogeneity. The unit of commodity consumed should be exact homogeneous. मतलब जो यूनिट, जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली होमोजीनियस होना चाहिए, आइडेंटिकल इन शेप, कलर, साइज, टेस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। कंटिन्यूटी मतलब आप जितना भी कंजम्पशन कर रहे हैं, जो कमोडिटी का कंजम्पशन हो रहा है, इट शुड बी क्विक सक्सेशन, वो बैक टू बैक होना चाहिए, उस पर टाइम गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रीजनेबिलिटी। जो भी कमोडिटीज़ है, इट शुड बी ऑफ रीजनेबल साइज, इट शुड नॉट बी टू बिग और टू स्मॉल। कॉन्स्टेंसी, ऑल रिलेटेड फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस लाइक डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, हमेशा कॉन्स्टेंट होना चाहिए। मतलब जो कंज्यूमर का जो इनकम है, चॉइस है, टेस्ट है, हैबिट है, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज आल्सो अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको भी क्या रखा है यहाँ पे, कांस्टेंट अज्यूम किया है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी। द लॉ अज्यूम दैट कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल, वो डिविजिबल होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ताकि वो स्मॉल क्वांटिटी में एक्वायर हो सके। सिंगल वॉन्ट, अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वॉन्ट ऑफ अ पर्सन। गिवन कमोडिटी है, वो कंज्यूमर की एक सिंगल वॉन्ट को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ सी नेक्स्ट इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएमयू। अभी देखो, यहाँ पे पहला टेबल दिया है, टेबल 2.2 एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू। देखो अभी आप नंबर ऑफ यूनिट्स देखो, और इसके बाजू में जो कॉलम है उसमें मार्जिनलिटी देखो। पहला कमोडिटी जब पहला कंजम्पशन हुआ है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुई है, इट इज़ 10, राइट। सेकंड कंजम्पशन पे मार्जिनल यूटिलिटी इज 8, थर्ड कंजम्पशन पे मार्जिनल यूटिलिटी इज 6, फोर्थ कंजम्पशन पे मार्जिनल यूटिलिटी इज 4। अभी जब फिफ्थ कमोडिटी आपने कंज्यूम किया है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 2। सिक्स कमोडिटी आपने कंज्यूम किया, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है, 0 हो गया है।
ये आपने लास्ट टाइम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में भी देखा था। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। अब सेवेंथ है, सेवेंथ यूनिट कंजम्पशन के बाद क्या हुआ है? मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस हो गया है, वो नेगेटिव हो गया है। तो मतलब ये टेबल से ये लॉ ऑफ डीएमयू से हमको समझ में आता है कि ये कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है। हम लोग जितना ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होता है। द टेबल शो दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप ऑन डिमिनिशिंग विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन, फर्दर इट बिकम जीरो एंड नेगेटिव। इसका टेबल भी जो दिया है बहुत सिंपल है। जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे कमोडिटी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी दिया है। एक यहाँ पे देखो, जब आपका फर्स्ट कंजम्पशन है, जब आपने पहला कमोडिटी कंज्यूम किया है तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 है। जब आपका सिक्स कंजम्पशन है तो यहाँ पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ज़ीरो है। सिक्स यूनिट के टाइम मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है, और जब सेवेंथ यूनिट कंज्यूम किया है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है? -2 हो गया है, दैट मीन्स वो नेगेटिव हो गया है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। इन द अबव डायग्राम यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। जैसे मैंने आपको बताया, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एम यू आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ एज पर द गिवन शेड्यूल। भाई नेक्स्ट बोला है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच शो दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द कंजम्पशन। सी, ये मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड्स की तरफ रहता है, वो हमेशा इट ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिससे हमें पता चलता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो कम होती है विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। जितना ज़्यादा आप कमोडिटी कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगा? कम होगा, उसे स्पीड से वो कम होता है। मतलब जैसे जैसे यूनिट कंजम्पशन इंक्रीज होते जा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। व्हेन एमयू बिकम जीरो मार्जिनल कर्व इंटरप्ट द एक्सिस, फर्दर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स दिस यूटिलिटी विच इज शोन बाय शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम। सी, जब भी आपने सिक्स कमोडिटी कंज्यूम किया है तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है? ज़ीरो हो गया है। अभी उससे जब सेवेंथ कमोडिटी कंज्यूम किया है, यहाँ पे तो कुछ ये शेडेड है, मतलब यहाँ पे उसको ऐसे कलर किया हुआ है। सेवेंथ यूनिट के कंजम्पशन के बाद क्या हुआ है? डिस यूटिलिटी हो गया है, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो गया है। तो ये डायग्राम से क्लियर है जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका कर्व डाउनवर्ड है, वो डिमिनिश होते जा रहा है विथ एवरी इंक्रीज इन कंजम्पशन। जितना यूनिट ऑफ कमोडिटी आप इंक्रीज करते जा रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू। आई होप कि ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत क्लियर है। सी, ये लॉ बहुत सिंपल है। ये लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर है, एवरी नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर है कि हम जितना ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं उतना जो यूटिलिटी डिराइव होती है वो क्या होता है? कम होते जाता है। अभी ये लॉ को एप्लीकेबल होने के लिए एजम्पशंस दिया है। एजम्पशंस में क्या है? जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब बैक टू बैक कंजम्पशन हम कर रहे हैं। मतलब अगर आप मैंगोज़ खा रहे हो तो फर्स्ट मैंगो से आपको जितना यूटिलिटी मिलेगा, सेकंड मैंगो से उससे थोड़ा कम होगा। फर्स्ट मैंगो से आपको 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है तो सेकंड मैंगो से कितना हो जाएगा? वो 8 हो जाएगा। थर्ड मैंगो खाया है तो 6 हो जाएगा। फोर्थ मैंगो से 4, मतलब जो यूटिलिटी है जितना ज़्यादा हम मैंगो खाते जा रहे हैं यूटिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिफ्थ से यूटिलिटी जो है वो बहुत कम हो गया, 2 हो गया है। सिक्स्थ मैंगो जैसे ही कंज्यूम किया है मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है? ज़ीरो हो गया है, नेगेटिव हो गया है। और सेवन्थ कंजम्पशन पे डिस यूटिलिटी हो गया है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि हम लोग जब ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग कंजम्पशन करते जाएंगे उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी और एक पॉइंट के बाद वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज लॉ ऑफ डीएमयू। ये लॉ ऑफ डीएमयू है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी देखो, पहला हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ लॉ देखा है, यहाँ पे अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द एडिशनल बेनिफिट
which a person derives from given increase in stock or a thing diminishes with increase in stock that he already has. मतलब other thing remaining constant, एक कोई भी person जो है वो जितना ज़्यादा consume करता रहेगा उसका जो marginal utility है, जो utility उसे मिल रही है वो क्या होगा, diminish होता रहेगा with increase in the stock, with every increase in the stock. In other words, marginal utility that any consumer derive from successive unit of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of commodity increases. In short, the more of a thing you have, the less you want to have more of it. इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप अपने जितना ज़्यादा आप उसको कंज्यूम करोगे उतना वॉन्ट जो है वो आपका क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा. मतलब जितना ज़्यादा आप वो चीज़ को जमा करोगे आपका जो वॉन्ट है वो इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट है उतनी कम होती जाएगी क्योंकि उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होता जाएगा. तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था, मतलब पहला मैंगो आपने जब कंज्यूम किया तो आपका यूटिलिटी कितना था, 10 था. सेकंड मैंगो कंज्यूम किया तो यूटिलिटी क्या हो गया, कम हो गया, 8 हो गया. थर्ड कंजम्पशन पे यूटिलिटी कितना हो गया, 6 हो गया. फोर्थ कंजम्पशन पे यूटिलिटी 4 हो गया. तो मतलब हर बार जितना ज़्यादा आप कंजम्पशन करते जा रहे हो उसका यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है. तो आई होप ये बहुत क्लियर है कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. द मोर यू विल कंज्यूम द मोर यू विल द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट. जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने पास रखोगे उतना आपका वॉन्ट जो है वो कम होता रहेगा क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती रहती है विथ एवरी एडिशनल यूनिट. सो आई होप लॉ ऑफ डीएमयू इज़ वेरी क्लियर. With this, I would like to end this session.